छात्रावास एक तीन चार दस तेरह और पंद्रह भी प्रस्तुत करते हैं अ साइलेंट सॉन्ग। डियर रिया, हैप्पी बर्थडे। मुझे पता भी नहीं लगा और तुम 16 साल की हो गई हो। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। जुलाई को संडे का दिन था, अचानक मुझे किचन से तुम्हारी माँ की आवाज आई। कैसे इन यादों में खो जाता हूँ ना, पर पुरानी बातें तो हमेशा नहीं कर सकते। वी हैव टू फेस द प्रेजेंट। हे प्रभु, आप ही की दया से हमारा जीवन और इस गेस्ट हाउस का जीवन चल रहा है। अब आपको तो पता ही है, हमारी बस एक ही सिखवाई से कि एक बार वो फिरंगी टूरिस्ट दिला दो प्रभु, वो डॉलर, वो साथ में लेडीज गेस्ट भी आ जाए, तो बस आपकी कृपा प्रभु। प्रभु प्रभु इतनी जल्दी सुन ली। हेलो सर, सर वेलकम सर, गेस्ट हाउस। Hello, you speak English? Yes sir, 450 single bed, double bed, 7 nights of this place, very very comfortable sir, bed are cozy cozy sir, well, comfortable thanks, too sir. But I'm just looking for a dress, here. This is to be, sir, this address, this place, you got right sir, come sir, come, come, do registration sir. No, no, not Shalini. I'm looking for Orchid Guest House. ये भी पता है तो आया क्यों? Sir, Orchid and in India, in dictionary, Orchid Hindi Shalini. Orchid Shalini, same, same. Sir, good, sir, come, sir, come. Really? I don't think so. You don't believe me. I'm afraid I don't. Sir, he is our dear friend, very close friend, Peter Prasad. Peter Prasad, tell him. Hey man, this place is awesome.
A single room is 450 rupees. A double room is 700 rupees. Another one. And apart from that, in Hindi, Shalini means orchid. Yeah. Good. I told you, sir. But this looks nothing like the photo here. Oh my God, you guys are cheating me, aren't you? No, sir. How could I be so photo, stupid? Sir, if you will stay, go away. You go away. ये भी हाथ से पीटर प्रसाद तुमको अभी हम नहीं छोड़ेंगे अभी तुम निकलो यहां से तुम्हारा पासपोर्ट अभी नहीं मिलेगा तुम खाली आ जाओ बिरजू सॉरी अब यस सर वेलकम सर सिंगल बेड 450 डबल बेड की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सर कम सर बेटा मैं अशोक मैं रिया से मिलने आया हूं वो है क्या यहाँ रिया दीदी से क्या काम है आपको मैं आपके रूम की बुकिंग कर देता हूँ पहले नहीं मुझे रूम नहीं चाहिए मुझे सिर्फ रिया से मिलना है तुम बुला दोगे क्या उसे मैं बुला तो दूंगा बट आपको काम क्या है रिया दीदी ऐसे हर किसी आरे गहरे इंसान से नहीं मिलती हैं अभी देखो बेटा मैं कोई अजनबी नहीं हूँ मैं उसका पापा? रिया अरे बिरजू ये बिल दे आना तुम रिया रुको बिरजू ऊपर जाके रिया को देखा हो ना एक बार जी ना निमा मम्मी जी आप कैसे हो रिया कितनी बड़ी हो गई ना बिल्कुल अपने माँ के जैसी रिया दीदी क्या हुआ कुछ लाऊं क्या आपके लिए नीचे चले जाओ बिरजू क्या हुआ अभी आप आई एम फाइन नीचे जाओ ठीक तुम 2 साल पहले कैसे आ गए नानी माँ वो रिया दीदी दरवाजा नहीं खोल रही हैं मैं देखती हूँ तुम शालिनी वाला कमरा साफ कराकर इनका सामान ऊपर रख दो ठीक है जी मैंने तो सब चिट्ठी में लिखा था माँ जी रिया ने बताया नहीं आपको कौन सी चिट्ठी और तुम कब से रिया को चिट्ठियाँ लिख रहे हो शालिनी का पता चलने के बाद तो सिर्फ रिया को ही लिखता था पर क्या जवाब मिला फिर तो तुम्हें समझ आना चाहिए था वो शायद तुमसे बात ही नहीं करना चाहती अशोक आगे का कुछ भी सोचा है तुमने आगे का क्या सोचा है आगे क्या सोचा है ना कल पिक्चर देखने चलते हैं कभी कभी अमिताभ बच्चन शशि कपूर राखी गुलजार और वहीदा रहमान बालकनी लेंगे रात के 10 बजे का शो वाह थोड़ा सा और आगे का भी सोच लो और आगे का परसों डोसा खाने चलते हैं मॉल रोड पर नया खुला यार अशोक माँ जब पूछेगी कि आगे का क्या सोचा है तब उनको क्या जवाब दोगे अरे मम्मी जी सब कुछ प्लान्ड है कल मैं शिमला जा रहा हूँ गाइड की नौकरी ढूंढने शादी के बाद मैं और शालिनी दोनों शिमला चले जाएंगे वहाँ 2-3 साल यही करूंगा 4-5 हजार महीने का आराम से मिल जाता है फिर मैं खुद की एक ट्रैवल एजेंसी खोलूंगा दिल्ली चंडीगढ़ बॉम्बे जयपुर सारे इंडिया में अपने ऑफिसेज होंगे बेटा एक दो ऑफिसेज लंदन और न्यूयॉर्क में भी खोल लेना नहीं मम्मी न्यूयॉर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है ठंड बहुत होती है ना वहाँ
अच्छा अच्छा सही बात है, बाकी पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास डॉलर वाले। जी मम्मी जी, पैसों का क्या ही है, एजेंसी नहीं चली तो एक दो बैंक लूट लेंगे। अशोक तुम पैसों के लिए गलत काम करोगे। पैसा पैसा होता है। अच्छा बेटा, मम्मी को ये सब बोलोगे तो हो गई हमारी शादी। अरे बाबा, इसीलिए तो कल जा रहा हूँ, एक बार नौकरी मिल जाए फिर मम्मी जी को भी मना लेंगे। नौकरी तो मेरे अशोक को मिल ही जाएगी। वैसे कल बस कितने बजे की है और पैकिंग तो तुमने की नहीं होगी। अरे हाँ, पैकिंग भी नहीं की और बस भी सुबह 6 बजे की। अब चलो मैं निकलता हूँ। मुझे दही शक्कर नहीं खिलाओगी? अरे हाँ, मैं अभी ले आई। रिया, रिया बेटी सुनो तो, दरवाजा खोलो। रिया, तुम ठीक हो ना? अशोक अभी के लिए पुराने वाले कमरे में रुको। रिया, क्या तुम चाहती हो कि वो यहां रुके? पापा पापा रुक जाओ ना, मत जाओ ना। रिया, पापा का जाना जरूरी है बेटा। अच्छा ये बताइए, पापा आपके लिए शहर से क्या गिफ्ट लाए? गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मत जाओ ना। मम्मी आप कुछ बोलो ना पापा को। अशोक मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरी नहीं तो कम से कम रिया की सुन लो। शालिनी मैंने कल भी बोला था कि बस ये आखिरी बार है, मैंने डिसीजन ले लिया है, भरोसा रखो थोड़ा। पर तुम समझते क्यों नहीं कि कोई और तरीका निकल जाएगा, हमें इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। अरे तुम जानती हो ना कि मैं सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जरूरतें और खासकर रिया के सपने हर वक्त मेरे दिमाग में रहते हैं। Just don't fool around with me, अशोक। रिया के जो भी सपने होंगे मैं भी पूरे करना चाहती हूँ, मैं अलग से कोई काम करने के लिए भी तैयार हूँ, दोनों साथ में करेंगे तो हो जाएगा। अरे बस करो शालिनी। Promise, I know what I'm doing. It's my last time. I got to go. Papa, Papa, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपको एक gift दूंगी. Thank you so much, मेरा बच्चा. But Papa का जाना जरूरी है बेटा. नहीं, आप नहीं जा सकते. मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी. रिया. मुझे नहीं पता नानी, ये सब अभी क्यों? सब ठीक हो जाएगा रिया, तुम बस संयम से काम लो। चलो सो जाओ अभी। अरे पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी और शालिनी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। तुम लोगों से दूर मेरे दिन तो गुजर जाते हैं लेकिन ये रात के सन्नाटे मुझे जगा के रखते हैं। Thank you.
गुड मॉर्निंग सर, उठ गए आप? आपके लिए चाय वगैरह कुछ मंगवाऊं? नहीं, रहने दो. सॉरी सर, वो माफ़ कीजिएगा, कल मुझे पता नहीं था आप प्रिया दीदी के पापा हैं. वैसे रिया कहाँ है अभी? रिया दीदी तो कॉलेज गई हैं अभी, फिर उसके बाद शाम को म्यूजिक क्लासेस जाती हैं, फिर हाँ कुछ अकाउंट्स आके देखती हैं, फिर नहीं, फिर कुछ नहीं. शालिनी बताती थी उसके क्लासेस के बारे में, पर बिल्स उसको देखने पड़ रहे हैं. बाकी लोग कहाँ हैं? वो आंटी के चले जाने के बाद सब लोगों ने काम छोड़ दिया, तो अभी मैं ही हूँ यहाँ सिर्फ. सर सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम. एक्सक्यूज मी, यू स्पीक इंग्लिश? यस सर, 450 सिंगल बेड डबल बेड 700, सर दिस प्लेस वेरी वेरी कंफर्टेबल. नो नो नो, आई एम लुकिंग फॉर एन एड्रेस, ऑर्किड गेस्ट हाउस. तुम भी? ओके. इन इंडिया इन डिक्शनरी ऑर्किड हिंदी सालनी, तो ऑर्किड सालनी सेम सेम. कम कम कम, ऑर्किड नॉट सालनी. आई वांट एड्रेस ऑफ ऑर्किड गेस्ट हाउस. हां तो डू यू स्पीक इंग्लिश? यस. Could you help me with this address? Yeah, let me check. Near Peace Pagoda. I know those. So Peace Pagoda is on the other side of the hill, and you're totally opposite to that. Other side? Yeah. I mean, you have to walk a long way from here. Oh, please save me from this walking. You can check out Shalini's guest house. Yes, sir. But Shalini is only 2-star. Orchid is 4-star. Indeed. It is no different from other 4-star hotels you have been to. But then, you might have never come to India at all. The real India exists in the ancient walls of this guest house. In the traditional windows, the iron doors, and the numerous stories of this house. I would really recommend checking out this place, its rooms, and then decide for yourself. Is the water clean? Yeah. Birju, inko sabse acha kamra dikhao. Maan gaye. Come sir, come sir, come this way sir. Sir, here you will get best minty da khushbu sir. अच्छा, क्या आपके पास कुछ भी और है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. बिरजू जी, आया बिल्कुल. थैंक यू. मुझे तो पता ही नहीं था कि नया टेलीफोन लिया है.
मैं तो हमेशा ही कहता था गेस्ट हाउस को मॉडर्न करने की जरूरत है। काफी बिल आता है उसका। रूम पर सब ठीक है? हाँ, वो बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। काम ढूंढ रहे हो? जी मम्मी जी, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, खुद के लिए और रिया के लिए। इतने साल कुछ नहीं कर पाया, अब कुछ करना चाहता हूँ। क्या करोगे? 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका है अशोक, तुम देख ही चुके हो ना कल क्या हुआ था। जी जो भी हो, मुझे लगता है उसे एक पिता की जरूरत है। बुरा मत मानना अशोक, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हें जरूरत है उसकी, ना कि उसे। अरे नानी माँ, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। आज तो सुबह सुबह ये कस्टमर मिल गया अपने गेस्ट हाउस को। इसका रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा, कमाल कर दिया तुमने। अरे हमने कोई कमाल नहीं किया नानी माँ, सारा कमाल अंकल जी ने किया है। पता है हमसे माना ही नहीं था, फिर अंकल जी ने क्या तो अंग्रेजी में कुछ तो समझाया हमारे गेस्ट हाउस में रुक के। अंकल जी क्या समझाया था आपने अंग्रेजी में? कुछ तो अंग्रेजी में बहुत सही समझाया था, लेकिन जो भी। ठीक है ठीक है, अब ये दवाइयाँ ले आओ। ठीक है। वैसे तुम मॉल रोड वाले कपूर जी को जानते हो ना? हाँ जी। उनसे भी पूछ सकते हो काम के लिए। जी Guys, stop! Ria, you know you're offbeat, right? Go again. Sorry, my bad. Also, get in control of your pitch. Such fundamental mistakes. Concentrate, please. Yeah, sir. Sir, maybe she's just nervous about the audition. I'm not nervous. She definitely is not. So, Ria, what's holding you back? Really, it's nothing. Nothing is wrong, sir. Can we start again? Come here. I've taught you for 6 years, Ria. Something is bothering you. If you make such mistakes, your audition will be over even before you finish the song. I'm fine, sir. I just need a little practice. Shall we go again? There's no point if you can't give your best. Take the day off. But, sir, whatever is in your mind, clear it out. Guys, pack up. We'll start over tomorrow, same time. Hey Ria, ruko na. I just wanted to ask you something. What? You know Friday night ko tamnan se tum free ho mere sach. You know town dance aa raha hai and I was wondering if you know as friends agar tum jana chahti ho to I was hoping ki tum mere saath chal sakti ho kya? Listen, you're sweet, but I can't. I have a lot of things to do. And by the way, तुम्हें मुझे defend करने की कोई ज़रूरत नहीं है. I can speak for myself. अरे रिया, sorry, I didn't mean to. अरे रिया, तुम्हारी क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई? रिया सुनो तो. क्या?
तुम कैसी हो? म्यूजिक क्लास कैसा था? शालिनी बताती थी कि तुम बहुत ही अच्छा गाती हो, काफी कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुकी हो। बिरजू बता रहा था तुम्हारा कोई ऑडिशन आने वाला है। रिया, क्या मेरी चिट्ठियां मिली थी तुम्हें? मिली थी। तो फिर किसी को बताया क्यों नहीं कि मैं आने वाला हूँ? Because I don't read your letters. And seriously, why did I even come back? I'm better off without you. I don't need you. But she needs you. Shalini, right now she is better off without me. I don't understand. क्यों नहीं मिल सकते उससे? अरे क्या कहूँगा उससे? I'm ashamed of myself. I've let you both down. She deserves more than these cages. She deserves to see her father. Yeah, believe me, Shalini, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ. पर मैंने उसके लिए ही ये decision लिया है. She shouldn't see her father like this. It won't leave a good impression on her. She asks about you every day, every single day. She's 11 years old, Ashok. What do I tell her? I'll write to you whenever I can. 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है. क्या रिया 10 साल के लिए अपने पापा से नहीं मिलेगी? Please, Shalini, please. Please ये संभाल लो. I don't want her to hate me. I just can't have my daughter remember me like this. This is my burden to bear. देखो, तुम मम्मी जी के पास शिफ्ट हो जाओगे तो she'll have a new start, new place, new surroundings, new people. It'll be great. Please. Ashok. I'm sorry, Shalini. We'll get through this. वैसे रिया को तुम्हारी गिफ्ट बहुत पसंद आई थी. हमेशा पहन के रखती है, डांस क्लास हो, म्यूजिक क्लास या स्कूल. अच्छा, इतना सब कर रही है वो? शी नीड्स अ डिस्ट्रैक्शन. आई एम कीपिंग हर बिजी, हेल्पिंग हर फाइंड समथिंग शी इज इंटरेस्टेड इन. होपफुली एज शी एक्सप्लोर्स शी विल फाइंड समथिंग शी रेजोनेट्स विद. शी विल फाइंड हर पैशन. Yeah.
Priya Sharma. Yes, sir. Ashok Sharma. Yes. Well, Mr. Ashok, अपने बारे में बताइए. Sure, ma'am. My name is Ashok Sharma, and I've been into the business. Whenever you are ready. I was an angel of broken glass, held down by the strings. माफ कीजिए मिस्टर अशोक, we think you are a good candidate, but with the bank fraud and the prison sentence, our policy wouldn't allow us to hire you. Why don't you try again? Sure, sir. Thank you. I was an angel of broken glass, and torn by the strings. We know your experience is relevant, but frankly, we can't trust you. Your performance is turning out to be an irony to your review. Relax a bit, okay? Just take your time and give us your best shot. Ma'am, your concern is valid, but I would request you to focus more on my credentials, my skills, and not a mistake, because I think I'm done with my legal punishment. People go to prison for various reasons, but whatever their reasons are, when they leave, they've got one choice: to reform or not. And I want to reform. I want my life back. Please don't punish me for life. Please don't punish me for life, Rhea. Yes, I've made mistakes. Yes, I got carried away. Maybe selfishness or pride or just a stupid greed, but I'm here to make amends. Oh, all I'm asking from you is a second chance, Rhea. Could you please give it to me, Rhea? Please. Please, Rhea. Paid off an early loss. Please, Rhea. Please. Lost in an endless sea. Please. I will never be free. Sorry, you're not selected. सोचते रहता हूँ. यहाँ रहकर एहसास हुआ है कि दुनिया में दो तरह के जेल होती है. एक जिसमें दुनिया हमें भेजती है. यहाँ के कैदी भले ही यहाँ से निकल जाए, वो कभी आज़ाद नहीं होते. और दूसरी कैद जो हम अपने लिए बनाते हैं, जिसकी दीवारें हमें अंदर से घेरती है, तुम्हारा वजूद छुपा देती है. और इसके बारे में क्या ही कहूँ, उसको तो पता ही नहीं वो कैदी है. बिरजू कहाँ है? स्टेशन गया है मम्मी जी, कुछ टूरिस्ट को लेने. काम ज्यादा हो गया है उसका आज. हाँ. ये क्या बना रहे हो? पेपर बर्ड रिया के लिए, उसको बहुत पसंद थे ना पहले. बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? मुश्किल है. बेटा, क्या तुम ये गेस्ट हाउस संभालने की जिम्मेदारी लोगे? मम्मी जी, गेस्ट हाउस क्यों नहीं, ये एक नई शुरुआत होगी हर किसी के लिए. जरूर मम्मी जी, अच्छी बात है. मैं सोच ही रहा था गेस्ट हाउस के लिए कुछ नया करना चाहिए.
आपका रेनोवेशन के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, पुराने को सवारने का वक्त आ चुका है। जी, मैं कल ही रेनोवेशन के लिए बात करके कॉन्ट्रैक्टर से काम शुरू करवा देता हूँ। रिया, 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 गो अवे प्लीज। रिया, क्या हुआ? पर लीव मी अलोन, गो अवे। रिया, गो अवे, चले जाओ, कितनी बार बोलूं आपको? रिया, ऐसा नहीं बोलते। नानी प्लीज, आप क्यों आए हो यहाँ? एंड वॉट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? That you care about me? आपको क्या लगा आप यहाँ आओगे and everything will go back to normal? Well, guess what? You don't matter. Riya, I was just 11 at that time. And what to do if you're missing your father? I kept asking her, Ma, where is he? Where is my papa? I thought, why doesn't he want to talk to me? Is my papa angry with me? What have I done wrong? Doesn't he love me anymore? But then I thought, no, he must be planning some big surprise for me. And guess what? One day, I get a really big surprise. My father is in jail. Everything changed. And do you even know what Ma went through? Riya, bahut ho gaya. I have seen her die slowly. And she wasn't meant to do this alone. You trapped her. Riya. Don't touch me. Just don't. You decided not to talk to me. You started writing these letters only when Ma was gone. Bhool gayi aapko. I don't need her in my life. Riya. Nani, aapne to sab kuch dekha tha na. He was never there for us. And it took a lot of time to bury that past. Humne aapke bina rehna seekh liya hai. For the last time, go away, please. Riya, sab theek ho jayega.
रिया, जब मुझे अशोक के बारे में पता चला, मैं भी बहुत नाराज थी। तुम अपनी जगह ठीक हो, उसने हमारे साथ सही नहीं किया। पर शालिनी से जब भी बात होती थी, वो हमेशा कहती थी, अशोक से गलतियां हुई है माँ, पर उनको पछतावा है। आखिर अशोक को भी साथ की जरूरत है। माँ बहुत भोली थी नानी, पापा की गलतियां उन्हें कभी दिखाई नहीं दी। रिया ऐसा नहीं है, वो समझती थी तुम्हारे पापा को। देखो, आखिरी फैसला तुम्हें ही लेना है, लेकिन अपने बीते हुए कल से इतना मत लड़ो। एक बार अपने आप को अपने पापा की जगह सोच के तो देखो। शायद ये समझना आसान हो फिर कि एक गलती से लोग जिंदगी भर के लिए गलत नहीं हो जाते। Life doesn't always go as planned. You might make wrong choices. You might misunderstand someone else's. But this process is made beautiful with a desire to change, a desire to renovate. Because poems don't always have to rhyme. They need to flow through verses. विशा जी, आपने म्युनिसिपैलिटी में रोड एक्सटेंशन की बात करी? बात कर ली है मैंने, काम हो जाएगा। ऊपर वाले कमरे का काम तो आप देख ही रहे हैं, आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। वो वहाँ पे लगा। जी, सारे तैयार रखे हैं मैंने। बिरजू, ये लीजिए। सारा कमरे और रिसेप्शन। अशोक जी, सड़क एक्सटेंशन और पेंटिंग का काम 20 दिन में हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। सही है मिश्रा जी। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। जी जी मिश्रा जी, अब आप बस जल्दी से काम शुरू करवा दीजिए। जरूर जरूर। हाँ, वो उसको हटा के वहाँ ऊपर रखो। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ बिरजू, तुम वो करवा लो, मैं देखता हूँ बाकी का। और क्या काम बाकी है? हाय, एक्सक्यूज मी, पेंटिंग का ले रहा हूँ। हाय, आई एम हियर टू मीट रिया, सी अराउंड? हाँ, मैं बुलवा देता हूँ उसे। वैसे आप कौन? आई एम हर फ्रेंड फ्रॉम अ म्यूजिक क्लास। आयान। रिया से कहना कि उसे अयान मिलने आया है। ठीक है। अंदर का किया? रिया दीदी, रिया दीदी, कोई अयान नाम का लड़का नीचे मिलने आया है। नीचे कोई वो अंकल बुला रहे हैं, हम लोग ये सब साइड रखो। आप भी गाना गाते हो? नहीं नहीं, मैं तो सैक्सोफोन बजाता हूँ। बगल का कमरे का हुआ? अच्छा। वैसे वो ऑडिशन किसके लिए थे? वो ये टैलेंट शो के ऑडिशन थे। इट्स अ न्यू प्रोग्राम, नए यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। वैसे रिया बहुत अच्छा गाना गाती है। I mean, she's the best. हम सब भी काफी सरप्राइज थे कि उसका ऑडिशन में हुआ नहीं। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ, सैक्सोफोन ज्यादा लोग बजाते नहीं, सो थोड़ा इजी था। ओ रिया, हाय। अरे अंकल जी, वो 203 कमरे का बोल रहे, बक्से का क्या करना है? अब रुको, मैं आता हूँ। अरे वो बक्से में है ना,
वो बोल रही थी मैं जाने में दिक्कत हाय या हाय अच्छा आर यू फाइन ठीक है ओ सर थोड़े वरिड थे तुम्हारे लिए यू हैव बीन मिसिंग क्लासेस ना चलो ना वो सर तुमसे बात करना चाहते हैं एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि मैं तुम्हें ये बता दूं सो व्हेन आर यू कमिंग बैक देन पता नहीं कल परसों शायद ओह दैट्स ग्रेट अच्छा आप लोग के लिए चाय वाय कुछ मंगवा दूं नहीं भैया नहीं बिरजू चलेगा ठीक चलो ना चलते I know it's hard. I mean, that's okay. But, you know, there'll be a lot of opportunities aage life mein. Doesn't mean you're a bad singer. Definitely not. You're a great singer. वैसे वो अंकल कौन थे? Birju. He's my father. Oh. Anyway, I'll leave. If you need something, just let me know. I'm always here. Bye-bye. Ayan? Yeah? Why do you keep trying to talk to me? Because I think you're a wonderful person. But you don't know me yet. But I'd like to know you. I'll have to go. Okay. Bye. Bye. दीदी वो छेड़ रहा था क्या नहीं बिरजू और ये चाकू अंदर रख कर आओ मैं कब से अपनी ही बात किए जा रहा हूँ मेरी बातें बहुत हो गई तुम अपने बारे में बताओ ना तुम्हारी म्यूजिक क्लासेस कैसी चल रही है तुम्हारी मम्मी हर बार बताती रहती थी उनके बारे में Take 5. Come in. Hello, sir. So, Riya, where have you been? Singer shouldn't be this quiet, Riya. Be a little vocal. I don't feel like singing anymore, sir. Okay. Answer me this question. What would happen to the forest if the nightingale stopped singing? I don't get it, sir. Give it a shot. Sir, I think you won't like my answer. People always care about the forest. No one cares about the nightingale. What if I say that somebody thinks about the nightingale too? Sir? I contacted your audition panel. Told them about you and... And you get a re-audition next month. But sir, how? I mean, what? Forget about that now. I need you to be regular, huh? But sir, wasn't the opportunity gone? That's why it's called a second chance, Riya. I hope to see you tomorrow, okay? Thank you, sir, for everything. Hi. What happened? I guess I asked it first. What? Sir se kya baat hui? Sir got me a re-audition. Oh wow! That's really great. I mean, I'm so happy for you, Riya. Congratulations, Riya. Thanks. I should head? Yeah.
Just a minute, Riya. I know the last few days have been really difficult for you. And I know I've asked this to you before, but since today is a day of chances and surprises, would you want to go to the town dance with me? Life, it's not unfair. Bas, it's a set of random chances. Ho sakta hai ki aaj tumhara din ho, lekin kise pata? The next chance might be yours too. अरे आपने मुझे कमिटमेंट दिया था कि आप रिसेप्शन की पेंटिंग और फ्लोरिंग खत्म करेंगे, अब आप बीच में मुझे ऐसे मना नहीं कर सकते, इतना अनप्रोफेशनल। आप मिश्रा से बात कराइए मेरी। 15 मिनट जी, ठीक है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर लफड़ा कर रहा है तो उसको देख रहा है। अच्छा, मैं कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं, अंकल संभाल लेंगे। अंकल वो पूछना था ना, कल मैं टाउन डांस जाऊं क्या? वो एक फीमेल टूरिस्ट थी तो जाओ बिल्कुल, आप कल देख लेना। बाकी पापा, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिया, कुछ गलतफहमी है सर, कुछ गलती हुई है आपसे सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आई है कि अशोक शर्मा के नाम पे सस्पिशियस एक्टिविटी रेडार पर है। व्हाट? वी आर हियर टू टेक हिम इन फॉर इंटरोगेशन। देखिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए और चलिए हमारे साथ अभी। सर, कुछ गलती हुई है आपसे, ले चलो इनको। सर मेरी बात मानिए। रिया, मिस्टर अशोक शर्मा, बेहतर यही होगा इफ यू कोऑपरेट।
तो बताओ तुम्हारे पास सोना खरीदने के लिए 10 लाख कहाँ से आए? सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आपसे कुछ गलती हुई है। तुम हमेशा से हमारे रेडार पर थे अशोक। रिपोर्ट सेज कि यू बॉट गोल्ड फ्रॉम केजे ज्वेलर्स। इट कांट बी सर, मैंने तो केजे ज्वेलर्स का नाम तक नहीं सुना। दीज आर द शॉपिंग डिटेल्स ऑफ 15th जून। तुम्हारा पैन नंबर क्लियरली उनके लिस्ट में है। दस साल पहले जब अरेस्ट हुए थे तुम, तब तुमने बैंकरप्सी डिक्लेयर करके 15 लाख का लोन डिफॉल्ट किया था। वो पैसे कहाँ हैं? यही है ना? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे उसमें सिर्फ 2 लाख मिले थे जो तभी खर्च हो गए थे, बाकी मल्होत्रा सर। अरे कितनी बकवास करोगे, वो 10 लाख अभी भी गायब है। Tell us the truth and we might get you a deal. Sir, I'm not guilty. I wouldn't do anything of this sort. So is this report wrong? Salesman ने तुम्हें क्यों identify किया? और किसने खरीदा वो सोना तुम्हारे पैन कार्ड पे? Sir, pan number. मैंने मेरे contractor मिश्रा को सारे details दिए थे legal permission के लिए। शायद उसने। झूठ बोल रहे हो ना तुम? Sir, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को फंसाओगे? Sir, all I'm saying कि there might be a possibility. नारायण, इस मिश्रा के बारे में और क्या जानते हो? अच्छी फोन नंबर है और उसका एड्रेस भी है मेरे पास। पता करो। I think we're done for now, Mr. Ashok. But this is not over. सर मेरी बात मानिए। सर प्लीज सर। वापस गलत क्यों किया नानी? इतना मुश्किल है क्या खुद को बदलना? रिया, मैं तुम्हें... नहीं, वापस आना ही नहीं चाहिए था। रिया, मैं तुम्हें कल से समझा रही हूँ, थोड़ा सब्र रखो। उसे सिर्फ पूछताछ के लिए लेके गए। नानी माँ, रिया दीदी, वो मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ ना, वहाँ पे मिश्रा को पकड़ के ले गई पुलिस। पूछा तो बोला है सारा झोल मिश्रा ने किया है। मुझे तो पहले से वो इंसान सही नहीं लगता था। पुलिस वाले बोल रहे थे कि शाम तक वो अंकल को छोड़ देंगे। रिया दीदी, अंकल ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। रिया, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है। मैं सबसे पहले बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। Trust me, I would do nothing to get away from you. Never. Riya, पिछले कुछ दिन कई सालों में सबसे अच्छे दिन थे मेरे। मुझे एक मकसद दिख रहा था, गेस्ट हाउस को फिर से बनाना है। अपने अपने परिवार के करीब आने का एक रास्ता मिल गया था। बस एक चीज अच्छी नहीं लगती है कि तुमने अपने आप को इतना अकेला कर रखा है। ऐसा नहीं होता है रिया। It's fine to be alone. Just don't be lonely. शालिनी का साथ ही था जिसने मुझे हर वक्त हिम्मत दी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इस बिहेवियर का कहीं ना कहीं कारण मैं भी हूं। अगर एक पेरेंट अपनी गलतियों को समझने के बजाय उसे दूर जाने का रास्ता चुन लेता है तो बच्चे भरोसा करना छोड़ ही देंगे। तुम कहती हो कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, लेकिन इतने साल उन चिट्ठियों को संभाल के रखना, आई थिंक नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बाकी गुड लक फॉर योर ऑडिशन रिया। You may go for now, Mr. Ashok, but we'll definitely keep a check on you. अरे
रिया दीदी, नानी माँ, अंकल जी आ गए। पापा, अशोक, ठीक हो तुम? हाँ मम्मी जी, बस एक दो साइन करने जाना होगा। वो मिश्रा पकड़ा गया? अरे नानी माँ बताया था ना कल ही। चलो अच्छा है। बिरजू तुम बाहर से मिठाई ले आओ, तुम दोनों बैठ जाओ, मैं चाय लाती हूँ। मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी थी। रेनोवेशन का क्या होगा? रेनोवेशन साथ में कर लेंगे, शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब सही भी हो जाएगा। रिया, remember this? Paper bird. Good luck. Riya Sharma. Whenever you're ready. Oh, what's that in your hand, Riya? A beautiful memory. Papa, देखो मैंने paper bird बना ली. Wow, that's so beautiful. कौन सी bird है ये? ये nightingale है. अच्छा. अब मैं अपने पास ही रखूँगी. क्यों? आप इस bird को उड़ाएंगी नहीं आसमान में? नहीं. उसे अगर कुछ हो गया तो, किसी ने उसे हर्ट किया तो? वो तो है, ये सेफ तो रहेगी, बट वो उड़ेगी नहीं, तो वो सारे माउंटेन्स, क्लाउड्स, बड़े ट्रीज सब मिस कर देगी ना? हाँ, पापा मुझे भी उड़ना है। डेफिनेटली रिया, तुम उड़ने के लिए ही बनी हो।
You were always meant to fly. Always. But remember, the wind won't be on your side all the time. You might wonder, why keep flying then? Well, the joy was never in reaching high mountains. It was never about destinations. It has always been about the flight. About facing the wind, whether the wild jungle supports you or not. The day the nightingale widens her wings and sings her heart out is the day she finds serenity. But what holds us back from taking this flight? If we think about it clearly, it's our own choices. We choose to trap ourselves in our own fears, hesitations, anger, guilt, desires, and a lot of other fancy words. Even when in the end, they all just fade away. Now realize the best part. We can always choose to step out of this cage. This simple choice, this one simple choice, makes all the difference. Life is simple. It's just not easy. This is the silent song which lingers in the air around us, which has been hummed by the rivers, which resides in the smiles around you, which universe has been crying for centuries. Listen, hum, resonate, a silent song. Self-disgust, lost in an embassy.